रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के रुकने असेंबली हनीफ अब्बासी सेटेलाइट टाउन में रहते हैं। घर से बाहर आकर इंतहाई तपाक से इस्तकबाल किया। पैदा लाहौर में हुए, तालीम भी वहीं हासिल की, सियासत का आगाज रावलपिंडी से किया, क्यों? एक्चुअली मेरी वालदा का ताल्लुक लाहौर से था और मेरे वालिद साहब का ताल्लुक मरी से था। इस वजह से फिर मेरे वाले साहब जो थे वो लाहौर में ज़रिया माश, क्योंकि वहाँ था उनका। उसके बाद फिर हमने वहीं से अपनी एजुकेशन भी शुरू की और फिर एक वक्त आया जिसे 1992 कहते हैं, उसमें आकर फिर मैं अपने ज़रिया माश के लिए फिर मैं यहाँ पे रावलपिंडी में आया। लाहौर और पिंडी के अंदाजे सियासत में फ़र्क तो बहुत है। मैं समझता हूँ जी कि अंदाजे सियासत इंसान की अंदर की सियासत होती है, उसको जैसे आप उसको लेके जाएं सियासत को। जब मैं रावलपिंडी में आया तो मैंने आगाज़ जो किया वो ट्रेडर सियासत से किया, क्योंकि इससे पहले रावलपिंडी की सियासत जो थी वो मैक्सिमम जो थी, मैं अगर उसमें गलत ना हूँ तो वो झूठ पर मबनी थी, मुनाफ़कत पर मबनी थी, शब्दाबाजी पर मबनी थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सियासत एक संजीदा काम है। बड़ी सियासी कामयाबी तो उसी वक्त मिली जब जमात इस्लामी के टिकट पर 2003 में शेख रशीद के भतीजे को शिकस्त दे डाली। जो चीज़ मुझे दिखाई देती है, नज़र आती है कि यकायक ये सारी सूरत हाल पैदा होती है। यानी मैंने जनरल इलेक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं की, कोई मेरा एक्टिव रोल नहीं था, और बैठे बैठे ट्रेडर कम्युनिटी ने मुझे ये डिमांड की कि आप इलेक्शन में हिस्सा लें। उस वक़्त नून लीग ने आपकी हमायत किस बुनियाद पर की थी? एक्चुअली उस वक़्त आपको शायद ये इलम है कि ARD का अपना एक कैंडिडेट था और मखदूम जवेद हाशमी साहब, क्योंकि वहाँ उस वक्त चेयरमैन थे, तो उन्होंने ARD के कैंडिडेट की हमायत का ऐलान कर दिया। लेकिन जो कारकुन था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो टोटली लोकली जितने कारकुनान थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो हैं वो हनीफ अब्बासी के साथ चलेंगे। 2008 के आम इंतखाबात से पहले आपने अपनी सियासी पार्टी जमात इस्लामी को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली, लोग इसे बेवफाई कहते हैं। 5 साल मुतहदा मेरे से अमल के जो टिकट था उसके ऊपर जब मैं इलेक्शन लड़के असम्बली में पहुंचा तो बहुत सारी मुश्किलात आईं, और जब 2008 का इलेक्शन आया और उसमें जमात इस्लामी ने जो एक तब्दीली आई कि वो मैदान अमल से या मैदान सियासत से उसने अपने आप को निकाला, तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि मैं उन लोगों को जो 5 साल तक मेरे साथ रहे और इस शहर के अंदर उन्होंने किरदार अदा किया या जो उनके मसाइल थे उनको मैंने हल किया, उनको मैं रास्ते में छोड़ दूं। और मैंने बेवफाई इसलिए नहीं की कि मैं, आप जब सियासत में आते हैं तो आपने सियासी अमल में शामिल रहना है। रावलपिंडी से 6 बार मुसलसल जीतने वाले शेख रशीद को 2008 के आम इंतखाबात में शिकस्त दे ली, किस तरह मुमकिन हुआ? मियां नवाज शरीफ का वोट बैंक है इस शहर के अंदर, रावलपिंडी शहर के अंदर, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया और जब उस वोट बैंक से वो डाइवर्ट हुए तो उनकी, मैं समझता हूँ कि जिसे कहते हैं शिकस्त, वो भी होती है और इस तरह उनका जवाल भी शुरू होता है। लेकिन एक सियासत में मैं अक्सर एक इस्तलाह इस्तेमाल करता हूँ, रिजेक्शन। जैसे हमारे वाले साहब बाटा शू में काम करते थे तो वहाँ एक BPR जूता होता था, अगर आपको याद हो, तो वो BPR जो है वो इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहता था और कोई गरीब आदमी कभी कभी उसको इस्तेमाल भी कर लेता था। तो सियासत में जो रिजेक्शन है वो जमानत का जब्त होना है। खुदा ना खास्ता जब ये मौका कभी ज़िंदगी में आया तो फिर इसका मकसद ये है कि लोगों ने आपको मुस्तरद कर दिया है, अब दोबारा लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। शादी को कितना अरसा हो गया, लड़ता कौन ज़्यादा है? शादी को 23 मार्च को हमारी बारात थी और 20 साल का अरसा। ऊंचा कौन बोलता? ऊंचा तो अब्बासी साहब बोलते हैं। कभी उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात, कोई मेहमान आ गया, इस तरह इनको एक्चुअली अपने लोगों से बहुत प्यार है। कोई बाहर क्यों खड़ा रह गया 2 मिनट के लिए, इस तरह की कोई बातें हैं, किसी कोई बड़ी लड़ाई नहीं। घर में खाना कौन बनाता है,
क्या नौकर नहीं रखे? नहीं, मेरा खुद दिल चाहता है कि मैं खुद ही पका के इनको भी दूँ, बच्चों को भी। इतना कोई वो मुझे परेशानी नहीं है कुकिंग करने में। अक्सर घरों में ये मसला होता है कि माँ जैसा खाना बीवी नहीं पका सकती। एक्चुअली मेरी वालदा मोहतरमा बहुत अच्छा खाना पकाती थी, तो जब मेरी नई नई शादी हुई तो मेरी मिसिस को खाना ऐसा सच उस तरीके से पकाना नहीं आता था, और ये ख़ुद भी इसका इतराफ़ करेंगी कि वालदा के वो देख के तो उन्होंने फिर वहाँ से सीखा। तो अब तो दुनिया के किसी कोने में कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता सिवाय इनके। इनकी सबसे अच्छी बात कौन सी है? सबसे अच्छी बात यह है कि इनको गुस्सा अव्वल तो आता ही नहीं है, अगर आए तो फिर थोड़ी चंद सेकंडों का होता है, और उसके बाद कोई बात इनके दिल में नहीं होती। मैं एक खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मेरी बेगम जो है वो घर को भी उसी तरीके से संभाला हुआ है जैसे एक घरेलू खातून का काम होता है, यानी बच्चों की लुक आफ्टर करना। 20 साल में मैंने खुद अपने कफ लिंक तक नहीं परचेज किए। मेरी पूरे दोनों इलेक्शंस की बड़ी कैंपेन के अंदर हमने उस तरीके से ख्वातीन को हायर करके मैसेज अपना नहीं पहुंचाया जैसे प्रोफेशनल पॉलिटिशियन करते हैं। कैंपेन इंचार्ज थी ख्वातीन की दोनों इलेक्शन में, वो मेरी मिसिस थी। सबसे अच्छी ये कि बहुत केयर करते हैं और किसी को बोलने नहीं देते टीवी पे। बाज़ औक़ात मेरी जासूसी करते हैं जब मुझे अच्छा नहीं लगता। हर बात में ध्यान रखते हैं कि शरीर कैसी जा रही हैं, और कोई भी चीज़ चाहिए वो ला के देते हैं हर बात। मेरी सियासत में बहुत दिलचस्पी है, और जैसे पापा गुफ्तगु करते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छा। अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन अपने हलके के नाम NA56 पर करवा रखी है। करीबी दोस्त नासर महमूद मुगल से उनके भाई की वफात पर ताजियत की। लोगों के मसाइल सुनने के लिए पब्लिक सेक्रेटेरिएट आए। अपने दोस्त चेयरमैन पोलिट्री एसोसिएशन डॉक्टर मोहम्मद असलम से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे। एज ए पर्सन ये बहुत अच्छे हैं जी। जो मैंने महसूस किया है कि इनके ऑफिस में कोई बंदा आ जाए या कोई खातून आ जाए कि मेरे बच्चे को फीस की ज़रूरत है, स्पेशली ये स्टूडेंट्स की काफ़ी मदद करते हैं, या कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें मेडिकल एमरजेंसी हेल्प की ज़रूरत है तो ये अपने पास से पैसे उनको दे देते हैं। हशमत अली कॉलेज के जेरे तामीर ब्लॉक का मुआयना किया। अपने हलके में वो 80 करोड़ रुपए के तामीराती मंसूबों पर काम करवा रहे हैं। बोहड़ बाजार पहुंचे। ये जो जगह जहां हम बैठे हुए हैं ये 1992 में मैं यहां आया था जी, और मुझे याद है 1992 में जब मैंने यहां पे एक छोटी सी दुकान यहां पे ली थी और 1,00,000 रुपए से मैंने अपने कारोबार का आगाज किया था। शेख रशीद की लाल हवेली के करीब मोती बाजार का पैदल दौरा किया। मशहूर दही भल्ले खाए। बचपन में शरारतें तो की होंगी? बचपन से ही शरारती वाकया हुआ,
اور میں سمجھتا ہوں کہ ان شرارتوں کی وجہ سے ہی ہم جیسے لوگ جو ہیں اس مقام پر پہنچے ہیں. میرے جو دو بڑے بھائی تھے میرے محلے میں, ہمارے محلے میں جب وہ جوان ہوئے تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ میرے والد صاحب کو خان صاحب کہتے تھے علاقے میں لوگ. تو وہ جب میں کسی کو کچھ کہہ کے آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ آپ کے بڑے بیٹے نے مارا ہے. تو وہ حیران ہوتے تھے کہ میرا بیٹا بڑا جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے. تو وہ پھر پتہ چلتا تھا کہ کرا میرے نام نکلتا تھا کہ وہ شرارت میری ہے. گردن پر چوٹ یا جلنے کا نشان ہے, یہ کسی شرارت کی وجہ سے ہے یا کوئی حادثہ ہوا تھا؟ یہ 69 کی بات ہے کہ جب ایک محبت کے ذریعے جو ہے وہ آگ لگ گئی تھی. نیک تھی وہ میرے چسٹ کے ساتھ چسپا ہو گئی تھی, لیکن بعد میں ایک بہت بڑا میں کہوں گا اس وقت کا ایک مسیحا تھا, اور وہ یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل ہے لاہور میں لیبرٹی مارکیٹ میں, ڈاکٹر ڈنلپ مجھے آج بھی یاد ہے. تو یہ 69 میں اس نے میری گرافٹنگ کی تھی. بچپن میں شرارتی تھے, لڑکپن میں عشق تو لڑائے ہوں گے؟ عاشق مزاج تو نہیں آپ اس کو کہہ سکیں گے, لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ دل میں رکھتا ہوں اور ہر اچھی چیز جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے. نسوانی حسن میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ اگر آنکھیں اچھی ہوں وہ بھی اٹریکٹ کرتی ہیں, اور اگر بال اچھے ہوں تو وہ بھی اٹریکٹ کرتی ہیں. چہرے کی جو معصومیت ہے اور جو سادگی ہے, وہ دونوں چیزوں میں جو حسن ہے وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ کاسمیٹک میں نہیں ہے. زندگی میں کتنے عشق کیے ہوں گے, کبھی اکیلے بیٹھ کر گنتی کی ہے؟ جس کے بھی جسم کے اندر دل ہوگا وہ عشق تو کرے گا. جب ہم جوان ہو رہے تھے تو اس میں ہر جو اچھی چیز تھی اس میں دلچسپی ہوتی تھی, اور اس میں یہی ہوتا تھا کہ دیکھ کے کہتے تھے شادی کرنی. کیا آپ کی شادی لو میرج تھی؟ نہیں, اس کو آپ لو میرج تو نہیں کہہ سکتے, اور اس کو کہیں گے آپ ارینج میرج, لیکن یہ وہی تھی کہ میری خواہش تھی دل کی کہ میں نے یہاں اس جگہ شادی کرنی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ حسین عورت کہاں دیکھی؟ یعنی پاکستان کا حسن جو ہے کمپیریٹیولی یورپ کو اگر کمپیئر میں کروں تو میں نہیں. روات کے انڈسٹریل زون میں اپنی زیر تعمیر ادویات فیکٹری کو دیکھنے آئے. کئی لوگ تو بطور الزام سیاست کو بھی کاروبار قرار دیتے ہیں, آپ کا بزنس کیا ہے؟ میں ایک سیلف میڈ آدمی ہوں, اور میں نے ایک چھوٹی سی دکان سے جہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ہو کے بھی آئے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کو میں نے پھر شفٹ کیا آہستہ آہستہ مینوفیکچرنگ کی طرف. 1992 کا سفر ہے کاروبار کا اور 2010, تو یہ فرق آپ کو محسوس ہو جانا چاہیے, ورنہ تو یہاں پہ جو الزامات لگتے ہیں ان الزامات کی صورت میں تو ابھی تک ہمیں ارب پتی ہونا چاہیے تھا. ادویات کی چھوٹی سی دکان سے ادویات سازی کی بڑی فیکٹری تک کا سفر, پہلے ماہانہ آمدنی کتنی تھی اور اب کیا ہے؟ جب میں مینوفیکچرنگ میں آیا تو اتنا بڑا فرق نہیں آیا. میں فرق اس لیے کہتا ہوں کہ اگر میں 1 لاکھ روپیہ لیتا تھا اپنی دکان سے مہینے کا, تو آج 1.5 لاکھ لے کے گھر میں دیتا ہوں, پر اتنا فرق ضرور آیا ہے اس 18 سال کے عرصے. انجمن تاجران کا وفد وہیں ملنے آ پہنچا. علاقے کے لوگوں نے روایتی بگی میں بٹھا کر استقبال کیا. کمیٹی چوک کے علاقے میں مسجد کا افتتاح کیا. Thank you.
रात का खाना बहरिया टाउन के शानदार माहौल में खाया। आप पंजाब सस्ती रोटी अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, मुखालिफ इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसमें अरबों रुपए हड़प हो गए। ये कह देना कि इसमें करप्शन है, करप्शन अगर किसी जगह है तो वो पिन पॉइंट की जाए। इल्ज़ाम तो लगाए जाते हैं काली ऐनक लगाकर, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको अपनी आंखों से देखें और सफ़ेद ऐनक लगा के देखें ताकि उसमें से नज़र आ सके। अब तक इस स्कीम पर कितने पैसे खर्च हो चुके हैं? एक जो साल पहला गुजरा उसमें 2 अरब 40 करोड़ रुपया जो है वो खर्च हुआ, और जब अब ये जो माली साल जा रहा है इसमें अभी तक 3 अरब रुपया खर्च हो चुका है। जो एस्टीमेट था हमारा एक साल का कोई 6 से 7 अरब रुपए का था। नकाद कहते हैं कि आपने शेख रशीद को इंतखाबी मैदान से भले आउट कर दिया हो लेकिन मीडिया से आउट ना कर सके, क्या उनकी बातें आपसे ज्यादा खुशगुन हैं? आपने देखा होगा रंगीला जो था वो सारी जिंदगी जो आखिरी वक्त तक चैनल पे रहा, फिल्मों में रहा, स्टेज पे रहा, तो इस पे तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है। जो सियासत है वो संजीदा लोगों का काम है, सियासत नजूमी का नाम नहीं है, सियासत है खिदमत इंसानी, और खिदमत इंसानी करने के लिए इखलास का मुजाहरा करना पड़ता है। आपके खिलाफ दहशतगर्दी, कत्ल, नक्शे अमन आमा के 57 मुकदमात दर्ज हैं, कुछ ना कुछ हकीकत तो ज़रूर होगी। पाकिस्तान की सियासत है, जब आप सियासी मैदान में किसी को शिकस्त नहीं दे सकते तो फिर आप उन पर झूठे मुकदमात बनाते हैं। ये 2005 की बात है जब मेरे सियासी मुखालिफ ने मेरे पे ये मुकदमा बनाया, इवन के वहाँ के जो पुलिस अफसरान जो उनके अपने थे जो उस हकूमत में थे उन्होंने मेरे खिलाफ FIR लॉन्च करने से इनकार किया, लेकिन CM उस वक्त चौधरी परवेज इलाही थे, उनकी मदाखलत पर मेरे खिलाफ FIR लॉन्च हुई और फिर इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन में अल्लाह के फजल व करम से मैं बरी हुआ। सियासत तो नाम ही आगे बढ़ने का है, आप वफाकी वजीर बनने का ख्वाब देखते हैं या फिर वजीर आजम का? जो शख्स ख्वाब नहीं देखता या जो शख्स आगे बढ़ने की तमन्ना नहीं रखता तो आगे नहीं बढ़ सकता, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं समझता हूँ कि मैंने ख्वाहिश जरूर की है लेकिन उस ख्वाहिश को कभी साजिश का नाम नहीं दिया। बहुत शुक्रिया सर। ना करूं ना मेल दिलांदे जू मेरे ते फेर मिलांगे, प्यार नहीं ते कुछ नहीं, दिल दिलदार नहीं ते कुछ नहीं, दिलदार नहीं ते कुछ नहीं, साम के रखना चल मेरे मकना चल मेरे मकना के इक वाले इधर तकना चलना तकना चल मेरे मकना मेरे मकना।